अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पेरेंट्स यूट्यूब चैनल फूड एंड टूर विद एसबी। आज मैं आप लोगों के लिए डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ, उसका नाम है स्मोक मलाई बोटी रोल्स। तो चले आए इसको स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्मोक मलाई बोटी रोल्स के लिए सबसे पहले मैं चिकन की मैरिनेशन करूँगी, जो कि हमारा स्टेप नंबर वन है। सो इसके लिए मैंने वन रेसिपी लिया है और इसको इतने साइज में मैंने कि उसमें मैंने कट कर लिया। अब इसके अंदर मैं अपनी 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड 2 क्रश्ड ग्रीन चिलीज ऐड करूँगी, ये मैंने ऐड कर ली। इसी के साथ मैं अपने 3 टेबल स्पून के योगर्ट ऐड करूँगी, ये मैंने अपने 3 टेबल स्पून योगर्ट भी ऐड कर ली। नाउ इट्स अ टर्न ऑफ 3 टेबल स्पून ऑफ क्रीम, ये क्रीम भी मैं इसमें सारी ऐड कर दूँगी। ये सब कुछ मैंने ऐड कर लिया। अब मैं इसके अंदर अपने ड्राई इंग्रीडियंट्स ऐड करूँगी, जिसमें 2 टेबल स्पून पाउडर मिल्क है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून क्रश जीरा है और 1/2 टीस्पून सॉल्ट है। ये सब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया और अब हम इसे फ्रिज में 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। वंस इट गेट्स मैरिनेटेड, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो मिलते हैं 30 मिनट्स के बाद। चलें जी, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जो है हमारे चिकन को फ्राई करना, इसको कुक करना। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक पैन लिया है, इसकी फ्लेम मैं ऑन करती हूँ और अपने ऑयल के गर्म होने का वेट करती हूँ, क्योंकि हमारे चिकन को 30 मिनट्स हो चुके हैं मैरिनेट हुए। अब मैं इसकी फ्लेम मीडियम लो पर कर देती हूँ और साथ ही अपने ऑयल के गर्म होने का वेट करती हूँ। जैसे हमारा ऑयल गर्म होगा, हम अपना चिकन इसमें ऐड कर देंगे। हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और यहाँ पे ऑयल मैंने 3-4 टेबल स्पून लिया था। अब मैं इसके अंदर अपना सारा चिकन ऐड कर दूँगी। और इसके वन साइड के लाइट गोल्डन होने का वेट करूँगी। चलें जी, अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। देखिए लाइट रेड गोल्डन एक साइड से होना स्टार्ट हो रहा है और इसी के साथ अब हम इसकी साइड भी चेंज कर रहे हैं, सो दैट ये दूसरी साइड भी सही तरह हो जाए। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे, जब तक इसकी दोनों साइड बिल्कुल सही तरह हमारे म्याद के मुताबिक लाइट गोल्डन ना हो जाए। सो गाइस, ये देखें हमारी दोनों साइड गोल्डन हो चुकी हैं, चिकन ने अपना कलर पूरी तरह चेंज कर लिया हुआ है और ये कुक भी हो चुका है। साथ ही साथ मैंने इसके दूसरी फ्लेम पे मैंने चारकोल भी रेड होने के लिए रख दी है। जैसे वो थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसको इसमें रखूँगी एंड देन फिर मैं आपको साथ साथ बताऊँगी हमने क्या करना है। लेकिन तब तक उससे पहले हम लोग अपने चारकोल के गर्म होने का वेट करते हैं। लेकिन चिकन हमारा फुली कुक्ड हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है इसकी, आप ही ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। ओके गाइस, हमारा चारकोल गर्म हो चुका है और अब मैं इसको इसके अंदर प्लेस करूँगी। इसके सेंटर में मैंने प्लेस करना है क्योंकि ताकि वो पूरी जगह पर इसकी फ्रेगरेंस आए, टेस्ट आए। उसके लिए मैंने एक फॉइल की प्लेट बनाई है और इसको इसमें मैं ऐड कर दूँगी लाइक दिस। ओके, साथ ही साथ मैं अपना चारकोल भी इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए, ये मैंने ऐड कर दिया और फौरन से मैंने इसके अंदर ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स ऐड करने हैं और इसको कवर कर देना है। ये हमारा कवर हो चुका है, आप देख रहे हैं इसका सारा स्मोक, सारी फ्रेगरेंस अंदर ही अंदर ही है। तो अब हम अपने 2-3 मिनट्स के बाद मिलते हैं। चलिए, हमारे 2-3 मिनट्स हो गए हैं, एग्जैक्टली 3 मिनट्स तक मैंने इसको स्मोक दिया था और अब हम इसका कवर उठा रहे हैं एंड वाओ, व्हाट अ फ्रेगरेंस। अगर आप बारबेक्यू लवर हैं, बहुत ज़्यादा लवर हैं, तो आप ज़्यादा टाइम से भी स्मोक दे सकते हैं, बट आई थिंक एवरी स्मोक इतना ही बेहतर होता है। फ्रेगरेंस एंड टेस्ट सब कुछ इसके अंदर अच्छी तरह से हो चुका है, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है। और अब हम इसके अंदर अपना 1 मीडियम साइज का अनियन ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से लाइक 2 मिनट्स तक इसको ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि अनियन में भी सारी वो स्मोक की फ्रेगरेंस हो जाए, चिकन की स्मोक की अच्छी तरह से फ्रेगरेंस अनियन में भी आ जाए। चलें जी, हमारे 2-3 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा अनियंस भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो चुका है। नाउ वी विल लेट देम कूल डाउन एंड देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप।
चले हमारा चिकन का मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और अब हम इस रोल पट्टी में ऐड करेंगे। ये मैंने रेडीमेड रोल पट्टी लिया, आपको इजीली बेकरी की वजह से अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह हम आपके साथ होममेड रोल पट्टी भी ज़रूर जल्दी शेयर करेंगे। ये मैंने चिकन ऐड कर लिया इसके अंदर, अब मैं इसको इस तरह से बंद कर दूंगी। ये मैंने फ्लोर एंड वाटर की पेस्ट बनाई है, लाइक 2-3 टेबलस्पून मैंने इसमें फ्लोर लिया है और ज़रूरत के मुताबिक मैंने इसे पानी लिया है कि इसकी कंसिस्टेंसी इतनी हो जाए कि प्रॉपर पेस्ट बन जाए और हम ये लगाकर अपने रोल्स को बंद कर सकें। ये देखिए मैंने बंद कर लिया, इसी तरह से ये साइड बंद हो गई। अब मैं इसके कॉर्नर्स पे भी ये पेस्ट लगा दूँ ताकि हमारे कॉर्नर्स भी अच्छी तरह से ना बंद हो जाए और फिंगर से प्रेस करके हम इसको इस तरह करके बंद कर लेंगे। और अब दोनों साइड से फिंगर से इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि हमारे रोल्स बंद हो जाए। बिकॉज समटाइम्स आपको फील होता है ये बंद हो गया बट फ्राई करते हुए ये खुद ही ओपन हो जाते हैं, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर इसे इनको अच्छी तरह से कॉर्नर को हमें बंद करना होता है। एंड ये देखिए मैं अच्छी तरह से बंद हो गया है और इसी तरह से मैं अपने बाकी साइड तैयार कर लेती हूँ। ओहो वन साइड फिर निकल गई। यही मैंने आपको कहा था ना कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है समटाइम्स, लेकिन अच्छा हुआ स्टार्टिंग में हो गया क्योंकि फ्राई करने के टाइम होते हैं ना तो भी बहुत सारा खराबी रहती है। इसी तरह से हम चिकन दोबारा यहाँ से ऐड कर देंगे और इसको अगेन ज़्यादा पेस्ट लगा के क्लोज करेंगे। मैंने पेस्ट ली कॉर्नर्स पे लगाई और अपने साइड्स को कॉर्नर्स को बंद अच्छी तरह से आपने प्रेस करना है। ये देखिए चलें बाकी भी तैयार कर लेते हैं फिर। अब चलें हमने अपने सब रोल पट्टीज में अपने चिकन की फिलिंग्स कर ली है और अब हम इसको फ्रिज में फॉर अबाउट 15 मिनट्स तक रख देंगे ताकि फिर थोड़ी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए, फिर ये फ्राई भी बहुत अच्छे होंगे। तो अब हम मिलते हैं 15 मिनट्स के बाद। हमने अपने सब रोल फ्रिज से निकालने हुए हैं और कढ़ाई में अपना घी भी ऐड कर लिया हुआ है और बस अब इसके गर्म होने का हम वेट कर रहे हैं। हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया तो चलें अब इसके अंदर अपने रोल ऐड करते हैं। और अब हम इसके गोल्डन होने का वेट करेंगे और फिर हम अभी साइड चेंज करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम पे की हुई है और अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं। चलें जी हमारी वन साइड गोल्डन हो गई है और अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। देखिए कितनी अच्छी गोल्डन हुई है और इसकी दूसरी साइड के भी गोल्डन होने का वेट करेंगे। चलें हम अपनी दूसरी साइड भी चेक करते हैं अब और ये भी काफ़ी हद तक गोल्डन हो चुकी है बट आई थिंक ये बिल्कुल तैयार है तो इसको हम पहले निकाल लेते हैं। और बाकी अभी दोनों तैयार हो रहे हैं तो इनको हम होने देते हैं। चलें जी हमारे ये वाले दो रोल्स भी तैयार हो गए हैं तो हम अभी इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखें कितनी अच्छी शेप आई है, कितनी अच्छा कलर आया है। और अब हम इसी तरह से अपने बाकी सारे रोल्स भी ऐड करते हैं। ये लें जी हम ऐड कर रहे हैं और इसी तरह से आपको सब रोल्स फ्राई करके दिखा देते हैं। हमारे स्मोक्ड मलाई बोटी रोल्स बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये डिलीशियस रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय पेरेंट्स यूट्यूब चैनल। इसी के साथ मैं इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो से हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।